देखिए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से यूट्यूब पे भी पूछते रहते हैं कि जैसे फिस्टुला तो होता ही है, मगर फिस्टुला के ग्रेड्स भी होते हैं अलग अलग, तो 5 तरह के ग्रेड होते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि फिस्टुला के ग्रेड जो हैं वो एक्चुअली डिसाइड कैसे होते हैं। मतलब अगर फिस्टुला है और आपने MRI किया और MRI आपने देखा और उसमें जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं तो वो फिस्टुला बताते हैं कि ऐसा ऐसा फिस्टुला है, और नीचे ग्रेड लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब जो भी ग्रेड लिखते हैं उससे आपके ऑपरेशन की सफलता और असफलता दोनों निर्भर करती हैं। तो आखिर वो फिस्टुला के ग्रेड्स कैसे डिसाइड होते हैं? क्या आप उसे देख के समझ सकते हैं कि ये किस ग्रेड का फिस्टुला आपका हो सकता है? तो देखिए, उसके लिए क्लासिफिकेशन होता है, एक कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है उसके, कि किस तरह से फिस्टुला के ग्रेड जो है डिसाइड होते हैं, है ना। तो आज हम बात उसी के बारे में करेंगे, ये जो आज का टॉपिक है। और आप लोगों को ये पेपर बहुत पसंद आता है, जब भी मैं इसमें कुछ बना के दिखाता हूँ तो आप लोग ज़्यादा देखते हैं, तो मैंने सोचा कि इसी में आपको समझाऊंगा, समझ में भी अच्छा आता है ना। तो चलो मैं बता रहा हूँ, आजकल आज फिस्टुला इन एनओ के ग्रेड्स कैसे डिसाइड होते हैं, है ना। क्वेश्चन मार्क है, इसलिए तो क्वेश्चन मार्क लगाया है कि अपने को मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रेड का फिस्टुला कैसा है। तो जैसा कि सबको पता है, फिस्टुला जो होते हैं वो इंटरस्फिंक्टरिक होता है, ट्रांससफिंक्टरिक होता है और सुप्रालिविटर होता है। बेसिकली इन 3 तरह के फिस्टुला ही होते हैं, मतलब और भी तरह के, मतलब इसको आप डिवाइड करते जाएंगे तो और भी बन जाएंगे, लेकिन बेसिकली 3 तरह के ही होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेंगे, एक इंटर स्फिंक्टरिक फिस्टुला, फिस्टुला का एफ लिख देता हूँ, ज़्यादा पूरा लिख नहीं रहा मैं। दूसरा अपन लिख देते हैं ट्रांस स्फिंक्टर। हाँ हेलो, कौन सी? नहीं, वो तो जनरल सर्जन थे। तो पहला है अपना इंटरस्फिंक्टरिक, दूसरा है ट्रांस स्फिंक्टरिक, और तीसरा हम यहाँ पे कहेंगे सुप्रा लेविटर, ठीक है। अब सुपरा लेविटर अगर समझना है तो मेरे पुराने वीडियोस आप देख लेना, मैंने उसमें फिस्चुला जब टाइप बताया है ना मैंने, तो उसमें हमेशा मैंने सुपरा लेविटर फिस्चुला की भी बात करी है, ट्रांससफिंक्टर की भी बात करी है और इंटरस्फिंक्टर की भी बात करी। तो यहाँ मैं डायग्राम में ये तीनों भी समझाऊंगा, तो अभी क्लियर हो जाएगा जब अपन ग्रेड डिसाइड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन एनल कैनाल बना लेते हैं, जो कि अपन हमेशा बनाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ग्रेड 1 का, तो ग्रेड 1 के लिए एनल कैनाल बना लेते हैं। यहाँ बनाते हैं पहला एनल कैनाल, ये देखो, ये बना ली डेंटेट लाइन, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। और ये है इंटरनल और ये एक्सटर्नल, इंटरनल, है ना। तो यहाँ से मोशन जो है इधर आता है और यहाँ से मोशन बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये NS कहलाना, तो लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। तो ये एनल एरिया है और यहाँ पे मोशन इकट्ठा होता है, तो वो जगह है। तो अब क्या है, देखिए, इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला ग्रेड 1 की बात कर रहे हैं, तो क्या है इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला हम बनाएंगे, कैसे होता है इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला? मतलब दो स्फिंक्टर्स के बीच में हो जो, वो इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला कहलाता है, ऐसा, है ना। तो यहाँ पे हमेशा भी मैं बताता हूँ कि हमेशा क्रिप्ट जो होते हैं यहाँ पे, वहाँ से इन्फेक्शन शुरू होता है, और इंटरस्फिंक्टरिक है इसलिए स्फिंक्टर्स के बीच में से आएगा। इसको थोड़ा समय ऐसे स्किन बना देता हूँ तो और समझ में आए। हाँ, इस तरह से ये आएगा और ऐसे करके इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस से इधर किनारे निकलेगा ये, ठीक है। तो ये इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला कहलाता है, क्यों? क्योंकि दो स्फिंक्टर्स के बीच में से जा रहा है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के फिस्टुला को क्या कहते हैं? इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला, ठीक है। तो इस तरह का अगर फिस्टुला है, दो स्फिंक्टर्स के बीच में से सिर्फ आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे ग्रेड 1। ये ग्रेड 1 टाइप का है, ठीक है। ग्रेड 1 हो गया, समझ में आ गया। दो स्फिंक्टर के बीच में से अगर फिस्टुला ऐसे निकल के यहाँ एक्सटर्नल ओपनिंग बना लिया है, तो ये ग्रेड 1 का फिस्टुला है। अब यदि अपन अब ग्रेड 2 का कैसे मानेंगे इसको? ग्रेड 2 का ऐसे मानेंगे कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये तो सिंपल ट्रैक है, अब इसमें यहाँ पे एक एब्सेस हो जाए, ये ऐसा पस पड़ जाए, मान लो ये पस पड़ गया यहाँ पे, ये एब्सेस है। अब ये एब्सेस इंटरस्फिंक्टरिक है इस तरह का, तो यहाँ पे पस भरा हुआ है। तो अब जब पस भर गया ना, तो यहाँ पे ग्रेड 2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये एसोसिएटेड विथ पस कलेक्शन है, तो ये ग्रेड 2 हो जाएगा। इंटरस्फिंक्टरिक में यदि सिंपल ट्रैक है केवल एक ही, तो ग्रेड 1 है। अगर उसमें पस पड़ गया है तो उसको ग्रेड 2 का फिस्टुला कहेंगे, ठीक
ठीक है। अब ग्रेड टू में केवल पस पड़ने से उसको ग्रेड टू नहीं बोल देंगे, इसमें सेकेंडरी ट्रैक भी होता है। जैसे मान लो कि इसमें एब्सेस नहीं बना, ठीक है, केवल अब जैसे इस तरफ का तो मैंने बता दिया, अब मैं एक नया ट्रैक बना के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला ही बनाएंगे, ये देखो इंटरनल ओपनिंग यहाँ बना ली, इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला मान लो ये एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई। अब यहाँ पे मैं एब्सेस नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपन एक सेकेंडरी ट्रैक बनाएंगे। सेकेंडरी ट्रैक कैसे बन सकता है, जैसे मान लो कि ये नीचे आ रहा है ना, तो एक ट्रैक यहाँ से ऐसे ऊपर भी चला जाए, ये मैं एब्सेस नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रैक है, ये एब्सेस नहीं है, ये ट्रैक है। जैसे मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर का ट्रैक है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पीछे भी चला जाएगा, तो ये एक सेकेंडरी ट्रैक कहलाता है। तो अगर सेकेंडरी ट्रैक हो या एब्सेस हो तो फिर ये ग्रेड टू पे जाएगा, और अगर ये दोनों नहीं है, सेकेंडरी ट्रैक भी नहीं है और कोई एब्सेस भी नहीं है, कोई पस कलेक्शन कोई फोड़ा नहीं है अंदर, पस नहीं भरा है, सिंपल ट्रैक है, तो ये ग्रेड वन रहेगा। तो ऐसे करके इस डायग्राम में मैंने ग्रेड वन और ग्रेड टू ऐसे मैंने दो बता दिए हैं, ठीक है, ग्रेड वन और ग्रेड टू, यहाँ पे दो कंप्लीट हो गए। अब मैं ग्रेड थ्री की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखो, ठीक है, ग्रेड थ्री के लिए फिर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, बस समझ में आ जाएगा, और समझ में ना आए तो इसको एक दो बार आगे पीछे करके देख लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर अपन बना देते हैं, है ना, ये एनल एरिया बना दिया है और स्किन ऐसे कर दो तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ ग्रेड थ्री के लिए। ग्रेड थ्री के लिए कैसे बनाएंगे, ग्रेड थ्री हमेशा ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला होते हैं, ठीक है। ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला कैसे होते हैं, कोई पुराना वीडियो हो तो देखना, मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ भी समझ में आएगा। ट्रांस स्फिंक्टरिक मतलब दोनों स्फिंक्टर्स को बीच में से काट दे वो, तो उसको ट्रांस स्फिंक्टरिक बोलते हैं। मतलब यहाँ से फिस्टुला शुरू हुआ क्रिप्ट से, इंटरनल ओपनिंग, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे हो गया, दोनों स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व कर लिए इसने, देखो सीधा ये, इसको बोलते हैं ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला, ठीक है, ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला। अब ये ट्रांस स्फिंक्टरिक तो हो गया, तो यदि ये ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला है, ठीक है, तो ये ग्रेड थ्री का फिस्टुला कहलाएगा, ग्रेड थ्री, ठीक। अब यदि क्या होता है, ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला के साथ मान लो एब्सेस कलेक्शन हो, कहीं अंदर पस भरा हो, तो पस क्या, अब वो पस कहीं भी भर सके, क्योंकि देखो क्या है, यहाँ पे इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला था तो एब्सेस भी इंटरस्फिंक्टरिक है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला है, तो एब्सेस जो है ना वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ या ऊपर भी हो सकता है, इस तरह का एब्सेस मैं बना देता हूँ, मान लो इन्वॉल्व कर दिया ये, है ना, इसमें थोड़ी सी मसल भी इन्वॉल्व हो गई, इस तरह का एब्सेस बन गया, तो अब क्या होगा, ये ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला है और इसमें एब्सेस भी है। एब्सेस को मैंने इस बार लाल रंग से बना दिया, इसको ब्राउन से बनाते हैं ना, ब्राउन भर दिया, देखो, तो ये क्या है, एब्सेस कलेक्शन हो गया, ये एब्सेस हो गया, ये एब्सेस बन गया। तो अब जब एब्सेस बन गया तो इसको ग्रेड फोर कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे एब्सेस हो गया। अब एब्सेस यदि मान लो नहीं बना तो कोई ट्रैक बन गया, तो ये देखो यहाँ, अब ये तो क्योंकि मैं बना चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए एक नया ट्रैक बना रहा हूँ ट्रांस स्फिंक्टरिक, ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे से जाएगा, मैंने यहाँ गलत बना दिया इसको, नीचे से जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग रहेगी, तो ये ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला बनेगा, ठीक है। इसमें यदि मैं कोई सेकेंडरी ट्रैक बना दूँ, एक ऊपर जैसे ये ट्रैक जा रहा है, जैसे मैं सेम उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि समझने में आसान रहे, नहीं तो मैं यहाँ ऊपर ट्रैक बना दूँ, यहाँ कोई नया ट्रैक बना दूँ तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल सेम उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। फिस्टुला तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सेम बता रहा हूँ, ऐसा ही ट्रैक अपन ने यहाँ पे ऊपर बना दिया एक 2-3 सेंटीमीटर का, तो ये एब्सेस हो जाए या कोई सेकेंडरी ट्रैक बन जाए, प्राइमरी ट्रैक तो यही कहलाएगा जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये सेकेंडरी ट्रैक कहलाते हैं। इंटरस्फिंक्टरिक में भी यही केस था, प्राइमरी ट्रैक तो यही रहेगा जहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग है, लेकिन एक जो ऊपर गया नया ट्रैक उसको सेकेंडरी ट्रैक बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही ट्रांसस्फिंक्टरिक में यदि सेकेंडरी ट्रैक बन जाए, एब्सेस बन जाए या कोई सेकेंडरी ट्रैक बन जाए, तो वो ग्रेड फोर में चला जाएगा, ठीक। तो इंटरस्फिंक्टरिक और ट्रांसस्फिंक्टरिक, ये ऊपर मैंने जो दो नोट कराए थे ये दोनों हो गए, इंटरस्फिंक्टरिक भी हो गया, ट्रांसस्फिंक्टरिक भी हो गया। अब ये सुपरा
स्पिंटर या सुपरा लेविटर। तो अब मैं देखो यहाँ बना रहा हूँ सुपरा लेविटर और ऐसा एप्सिस बनाता है। थोड़ा सा ये ऊपर वाले डायग्राम में घुस गया, थोड़ा सा समझ रहे यार, मैं हमेशा इसको लाल से बना देता हूँ। ये देखो ये जो एक्सटेंशन है ना इस तरह का, सुपरा लेविटर है ये, लेविटर यानी मसल के ऊपर चला गया, ये लेविटर यानी मसल है, लेविटर मसल, ठीक है, ये लेविटर यानी मसल है। तो यहाँ पे अगर फिस्चुला इधर ऊपर चला गया और यहाँ पे पस कलेक्शन भी है, आमतौर पे पस कलेक्शन रहता है, अगर सुपरा लेविटर फिस्चुला है तो पस कलेक्शन इसमें रहता ही है, इसको सुपरा लेविटर कहते हैं, फिस्चुला। तो यहाँ पे एब्सेस कलेक्शन भी होता है और ट्रैक पीछे की तरफ आता है। इस फिस्चुला में जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल ओपनिंग बने, कई बार नहीं भी बनती है। सुपरा लेविटर फिस्चुला की खासियत होती है कि कभी कभी एक्सटर्नल ओपनिंग जो है आपको नहीं भी मिलेगी, तो नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है, लेकिन फिस्चुला तो होता ही है। और उसमें भी क्षार सूत्र करते हैं और वो भी ठीक हो जाता है, पर उसमें क्षार सूत्र करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो भी मैं किसी दिन बताऊंगा, फिस्चुला किस तरह से ठीक कर सकते हैं क्षार सूत्र से, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो बताऊंगा कभी। तो ये है, तो इस तरह से ये जो सुपरा लेविटर फिस्चुला है ना, इसको अपन ग्रेड 5 बोल देते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इस पूरे पन्ने में, अब ये पन्ना बहुत ज़्यादा भर गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5, ग्रेड 5 फिस्चुला जो है ये मैंने आपको इसमें यहाँ पे समझा दिया है, है ना। तो अगर समझ में ना आया हो तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके एक बार अपन देख सकते हैं, है ना, समझने के लिए मैंने इसको बता दिया है, तो आगे पीछे करोगे आप वीडियो को ना तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इजी है, कोई बात नहीं है। इंटर स्पिंट्रिक, ट्रांस स्पिंट्रिक, सुपरा स्पिंट्रिक। इंटर स्पिंट्रिक में केवल प्राइमरी ट्रैक है ग्रेड 1, सेकेंडरी ट्रैक है एब्सेस है ग्रेड 2, ट्रांस स्पिंट्रिक में एक ही ट्रैक है ग्रेड 3, एब्सेस है सेकेंडरी ट्रैक है ग्रेड 4, सुपरा लेविटर में सुपरा लेविटर है ग्रेड 5, सेकेंडरी ट्रैक हो एब्सेस कलेक्शन हो सब ग्रेड 5 में आते हैं। बस बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, तो ये आप समझ लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो चलो बस इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था, और मुझे उम्मीद है कि मैंने ठीक ही समझाया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके मैंने नहीं समझाया, डायग्राम भी मैंने कोशिश की है कि मैं कलरफुल बनाऊँ, थोड़ा समझ में आ जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।